बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का दिल्ली में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उनका दिल्ली में ही इलाज चल रहा था। वो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनके निधन की खबर से पूरे बिहार में शोक की लहर व्याप्त है। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। उनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। रविवार से जेटली को ECMO और इंट्रा एरोटिक बलून पंप सपोर्ट पर रखा गया है। इस पर उन्हीं मरीजों को रखा जाता है जिनका फेफड़ा और दिल काम करना बंद कर देता है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड में भारी तबाही मची हुई है। उत्तराखंड के 8 जिले मौसम के कहर से परेशान हैं। कई जगह बादल फटने के बाद कोहराम मचा हुआ है। उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में रविवार को बादल फट गया। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वो अगले 3 से 4 दिनों में कोर्ट के सामने सरेंडर कर देंगे। वो गिरफ्तारी के डर से भागे नहीं हैं, बल्कि अपने बीमार दोस्त को देखने के लिए किसी जगह गए हैं। मध्य प्रदेश में कथावाचक आचार्य देव मुरारी बापू ने सीएम कमलनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी है। देव मुरारी बापू ने कहा कि वो सीएम कमलनाथ से बेहद नाराज हैं। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया था। उन्हें सरकार ने आश्वासन दिया था कि MP में कांग्रेस की सरकार बनी तो उनको सम्मान दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने पर ऐसा नहीं हुआ। भारी बारिश की वजह से यमुना नदी उफान पर है। पिछले 12 घंटों के अंदर हथनीकुंड बैराज से करीब 21 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रविवार शाम 6 बजे करीब 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। बढ़ते जल स्तर को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और संबंधित एजेंसियों को अलर्ट भी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कश्मीर के हालातों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा, आज विश्व मानवतावादी दिवस है। कश्मीर में मानव अधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। आइए हम कश्मीर में मानव अधिकारों और शांति के लिए प्रार्थना करें। जम्मू कश्मीर में करीब 14 दिन बाद सोमवार को स्कूल और शिक्षण संस्थानों के ताले खुल गए। हालांकि प्रशासन ने जम्मू में इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश वापस ले लिया है। वहीं श्रीनगर के DC का कहना है कि हालात अब काफी हद तक कंट्रोल में हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु से बेकाबू कार का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है। एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने फुटपाथ पर चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी चला रहा ड्राइवर नशे में था। सोमवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 206 अंक बढ़कर 37,556 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 61 अंक चढ़कर 11,109 पर खुला। इसके बाद से बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहा।